उजाला उजाला उजाला, ये अमर उजाला तो यहाँ से आ रहा है यार, उजाला तो यहीं से आ रहा है देख। गाड़ी और तो नजर नहीं आ रहा मेरे को ये। तो दोस्तों मेट्रो के पार्ट टू में आपका स्वागत है, और इस स्वागत में आपको मैं बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ कि अभी तक हमको क्या पता चला था कि अंडरग्राउंड जो मेट्रो है वो हमारी राजवाड़ा और वो रूट से जा रही है। वो रूट अभी ये देखो, ये है अंडरग्राउंड टनल जिसका है ना बहुत ही गोपनीय उपयोग किया जाने वाला है, जिससे सिर्फ प्रधानमंत्री ही जाएंगे, और ये हमको आज पता चली है, और ये अपडेट हम आपके साथ भी साझा करने वाले हैं। तो ये अपडेट हम और कंटिन्यू रखेंगे, अगर आपने कमेंट में हमको लिखकर बताया कि भैया ये टनल का खत्म हो गया हमको ये भी बताइए, तो हम बिल्कुल इस पर और काम करेंगे और इसमें अंदर उतर के आपको ये अपडेट देंगे। फिलहाल पार्ट टू में हम शुरू हो गए हमारे भवरसाल स्टेशन से, और ये पूरा कॉरिडोर हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप नए हो वीडियो में तो वीडियो देखकर लाइक कर लेना, पुराने हो तो एडवांस में लाइक कर देना, और डबल लाइक तो करने का कोई रिवाज है नहीं, और दो दोस्तों से लाइक करवा लेना यार। देखो 150 या 250 घंटे में मैं थोड़ा सा डाउट हो गया था, वो कवर करना है अपने को, ठीक है? तो अच्छी बात है, शुरू करते हैं अपना दूसरा अपडेट। ये जो काम है एसी से आगे की तरफ बढ़ाया गया है, यहाँ से जो ब्रिज वाला काम है वो बहुत आपको दूसरे जो हमारे शॉर्ट में देखने के लिए मिल जाएगा कि ये जो ब्रिज है तेजी से यहाँ से इस कनेक्शन को बढ़ाया जा रहा है। स्टेशन है हमारा दूसरा वाला वाला, अभी भी डाइवर्शन दिया हुआ है, मतलब अंदर अभी काम चल रहा है, और इसके आगे हमको ब्रिज मिलेगा, और इसके देखेंगे तो पिलर जो ब्रिज है इसका काम जो है पिछले तीन अपडेट जो हमने देखा है इस वाले पोर्शन में जरूर बहुत ज़्यादा तेजी आ चुकी है। इसके बाद अपने वाले अभी दिख रहा है या नहीं आ दिख पा रहा है, अभी जो वाला हमारे बहुत मजा आता है बक्सी राज के लिए। ये भी आगे बढ़ चुका है यहाँ से, ये भी तो खुद उड़ जाऊंगा, मतलब पैराशूट तो पहन के रखा हुआ है, पैराशूट तो हवा भरा तो ऐसे कैसे पीछे चले जाएंगे अपडेट बनाते बनाते। यहाँ पर कुछ गतिविधि चल रही है दोस्तों, भारत माता की जय बोल रहे हैं या भगवान की जय बोल रहे हैं, ये पूजा पाठ चल रही है या कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर आपको ये नज़ारा देख के समझ पा रहे हो क्या आप? और इतने सारे लोग इकट्ठे इतनी ऊपर चढ़ाए कैसे, सबसे पहले तो वो बताओ। नहीं वो वहाँ पर सीढ़ियाँ है ना, इन सीढ़ियों के उससे ही ऊपर चढ़े हैं, और ये भी कोई भी ये कारीगर तो नज़र नहीं आ रहे मेरे को, ये करना क्या चाह रहे हैं, ये कोई भी कारीगर दिख रहा, कारीगर तो सब ये एकदम टोपी ओपी और ये पहन के आते हैं, अकेले जाकर के चिल्ला चोट कर रहे हैं, मशीनों पर हाईजेक तो नहीं हो गया यहाँ पर? कोई बात नहीं, आपको अगर समझ ना आई तो मुझे कमेंट करके बताओ, मेरे को तो समझ में नहीं आई, मैं अभी आगे चलना जाना पसंद करूंगा कि ये समझना क्या चाह रहे थे ये लोग। पूजा पार्टी हो रही होगी यार, क्योंकि पिछले हाँ विजयनगर वाले भी तो देखा था ना मैंने, वहाँ पूजा पाठ चल रही थी, तो शायद हो सकता है पूजा पाठ चल रही हो यहाँ पर। और कोई षड्यंत्र तो नहीं है बताओ अब? अच्छा हालांकि ये अंदर वाला रोड भी जो है अब इसको भी डाइवर्ट कर दिया गया है, तो इस स्टेशन में भी अब आपको अंदर से नहीं पर बाहर से देखने के लिए मिलने वाला है स्टेशन भी, और यहाँ से नेक्स्ट बहुत बढ़िया शाबाश। तो ये स्टेशन जो है ये भी अभी ज्यादा अपडेटेड नहीं है, तो टच का आने की वजह से सारा दिमाग है ना पूरा इधर से उधर हो गया यार, और चलो ठीक है देखने के लिए मिल गया है टीसीएस मेट्रो स्टेशन का अच्छा खासा बना दिया गया है, ऊपर का जो वाला जो टॉप था उसको भी
पूरा पीला पीला एकदम कर दिया है, और कोशिश करेंगे कि आपको अंदर से इसके स्टेशन की जो है वो रूपरेखा दिखा पाए। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही उत्तम तरीके से इस स्टेशन पे जो है, आज लग रहा है कि बारिश की वजह से तेजी से जो काम चला था आज सबको छुट्टी दी गई है कि आज जाओ बेटा आराम आराम करो, खाना वाना खाओ। नए और उस वाले चंक का आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि वहाँ पर एस्केलेटर वाले सेक्शन में पेडिस्ट्रियन और एस्केलेटर दोनों साथ में वहाँ पर है, आगे वाले भी होंगे पर उनके लिए अभी क्या जमीन की परमिशन लेना और ये थोड़ा सा अभी काम बचा हुआ है, तो अभी आगे वाले भी समझने की कोशिश करेंगे। और ये यहाँ पर आप देखोगे ये ना ये इनका रुकना है जाना है अगले स्टेशन में मेट्रो तो नहीं है, वो इसको कंट्रोल करता है यहाँ से। तो एक ये छोटा सा सेगमेंट जो है ये कुछ नया देखने को मिल रहा है अभी यहाँ पर, बहुत ये बहुत मस्त रहता है ये भी। और वैसे तो यहाँ पर मेट्रो चली चुकी है, सब तो वीडियो देख ही चुके हो, तो मस्त है। अच्छा दोस्तों एक और चीज़ हेल्प चाहिए यार मेरे को, ना रूम चेंज करना था, तो अगर कोई रूम रेंट से हो आपके कोई इलाके में तो अपने को चाहिए 10 के अंदर घर चाहिए, और क्या बोलते हैं इसको इंडिपेंडेंट हाउस चाहिए, अपने पास एक डॉग है, अगर किसी की नज़र में हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन लिख लो यार। और वैसे तो हमने ढूंढ रखा पर ये हफ्ते में चेंज भी कर रहे हैं, पर आप कमेंट करके बता दो अगर हुआ तो वाले घर को भी समझ लेंगे, है ना, तो उसका जरूर ध्यान रखना है। क्या है दिवाली बन गई है, बस कचरा साफ करना है। तो ये यहाँ पर तो एटीट्यूड ऐसा ही दिख रहा भाई साहब कि छोटा मोटा सामान पड़ा हुआ है, जिसको ले जाना ले जाओ, आपको एक तो फलेंगे भी नहीं और ऊपर से अगर धरा गए बस मजा अलग है। हाँ लोगों को है ना दो दो लकड़ी जलाने के लिए है ना फॉरेस्ट ऑफिसर है ना बहुत कड़ी कड़ी सजा दिलवा देते हैं, तो ये तो लोहा है तुम सोच लो भी। और ये ही DCS के बाद वाला स्टेशन है जिसको अभी बस मीडिएटर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि हाँ बीच का लटका हुआ है। मेन जो भरे पड़े हैं वो यही है कि DCS को बहुत अच्छे से कम्प्लीट कर दिया है, और उसके बाद वाला जो अपना सिम्बायसिस वाला स्टेशन है उस स्टेशन को आप देखेंगे, अरे ये तो करना ही है ना पता है ना आपको, और उस स्टेशन को अभी देखते हैं अपन वो कितना कम्प्लीट करा हुआ है। सुपर कॉरिडोर है यार और अपडेटेड कॉरिडोर है, इस पर ये पानी कैसे भर गया, सरकार क्या कर रही है उस तरफ पे भी सर्विस लेन पे आप देखोगे तो पूरा पानी पानी भरा हुआ, गाड़ियां आधी आधी डूबी हुई है, तो हम समझदार थे बच गए, पर ऐसे ही क्या हर बार समझदारी दिखाना पड़ेगी टैक्स पे करने के बाद भी। ये कैसा कंस्ट्रक्शन किया गया है, यहाँ पर तो पानी नहीं भर रहा वहां पर पानी भर रहा है, हमारे इंडिया में ऐसी सड़कें क्यों होती है यार, बाहर विदेशों में तो देखने के लिए नहीं मिलती, मेट्रो बना दी सड़कों का वही हाल है क्या, उड़ती नहीं दिखाना, मतलब काम को जानबूझ के टालते रहना है। अभी विधानसभा चुनाव से पहले मेट्रो चालू हो जाएगी ऐसा कहना पड़ रहा है, तो उससे पहले अगर चालू हो गई और लोग मस्ती करने लग गए तो क्या होगा, ये भूल भी जाएंगे ना, तो इसीलिए इसको हल्लू हल्लू ही इसको जो है अपडेट में इसको लगाया गया है, एकदम से अगर लगा देंगे क्या होगा चुनाव तो लोग मजे तो ले लेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे ना, तो इसको एग्जैक्ट चुनाव के पहले ही चालू करना है क्या, तो उसी हिसाब से भी काम बिगड़ रहा था। अभी देखो ऐसा क्यों वाले स्टेशन का तुमने सारे रूफिंग करवा दी, इसकी सिर्फ पड़ी हुई है कहानियां पूछा भी हो सकती है, बोलते ना कि अगर रीजन भी अगर बहाना लेना चाहो तो हजार है, तो करना चाहो तो सिर्फ एक काम कर। अभी देखो अभी जरूरत नहीं तो 25 दिन का काम 10 दिन में कर दिया, और अभी अब नहीं लग रही है, अब डेट आगे पोस्टपोन हो गई है, चल रहा है काम आराम से चल रहा है, इधर से भी चल रहा है उधर से भी चल रहा है। ये जो स्ट्रेटेजी है ये कुछ अलग है, इसको जमनना पड़ेगी आगे जीवन में, यही काम आने वाली है, ये वाला प्रवचन काम नहीं आएगा जो मैंने दिया है, ये वाला काम आएगा जो हो रहा है, क्योंकि बोलते हैं ना ऐसे ही चलता आ रहा है ऐसे ही चलता रहेगा, हम एक कुछ घंटा नहीं उखाड़ लेंगे। सिम्बायोसिस स्टेशन अगेन चीजें पड़ी हुई है दुष्ट हो रही है, क्योंकि मेन जो टारगेट था वो तो मेहनत का पूरा कर दिया ना, सारी जान झोंक दी उसमें, अब चलता रहेगा काम आराम से, क्यों क्योंकि ट्रायल रन हो चुका है छोटा वाला, और जब बड़े वाले आएंगे तो उनके लिए भी अब गाड़ी तो तैयार कर ही दी है ना, और सोचो दोस्तों ऐसी कंडीशन में भी यहाँ से भी गाड़ी उन्होंने पार कर दी, तो अपन काम तो कर सकते हैं बस करते नहीं है ना अपन आराम, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति का यहाँ पर ध्यान नहीं होता, क्या है कि मल्टीपल लोगों का यहाँ पर एफर्ट्स होता है और मल्टीपल लोगों के यहाँ पर रीजनिंग भी होती है, तो इस वजह से हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि यार इसने काम ढीला कराया है, नहीं ऐसा नहीं होता, दीज आर डिफरेंट अथॉरिटीज जिससे होते हुए, अब जैसे वो एयरपोर्ट वाला जो काम है
अब एयरपोर्ट से अभी जमीन मांगने पर एयरपोर्ट ने क्या बोला कि हमारे तो है ही नहीं, हमने तो लीज पे रखी, सरकार से पूछो। तो वो ऐसा तालाब तोली चलती रहती है, मजाक नहीं है। ये सिर्फ एक बिजनेसमैन का नहीं है कि उसने खरीद लिया और उसका जो मन पड़े, तो प्राइवेट इसीलिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है कि वो प्रोसेस इजीली कर दी जाए, उसमें ज्यादा लोड नहीं लिया जाए। और इसी के साथ यहाँ पर तालाब अगर देखो तो ये पूरा मानसरोवर बना पड़ा हुआ है, और हम अभी बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करेंगे इस मानसरोवर में जाने की, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर इसमें गए तो जितना बचा कुछ पेट्रोल है वो भी खत्म हो जाएगा, और ये मेट्रो वाले भैया लप्पड़ मारेंगे वो अलग। तो हम शरीफों की तरह कोई और उंगली ना करते हुए हम जाएंगे शराफत से बाजू वाले रोड से। हमको नहीं डूबना है अभी उस तालाब में, अभी हमारे अपने वाच ओवर्स पूरे नहीं करवाए, अभी हमारे को पैसे मिल जाते तो थोड़ा सा समझ सकते हो। अभी आप फ्री वाली अपडेट्स देखो, ठीक है? जब प्रीमियम सर्विस आएगी ना फिर अपन और मेहनत करेंगे, फिर अपन ना ड्रोन से उड़ा उड़ा के दिखाएगा तुम्हें, पर उसके लिए तुमको तुम्हारे भाई को प्रीमियम सर्विस बनाना पड़ेगा ना। तो फटाफट ज़्यादा ज़्यादा वीडियो देखो, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो कंज्यूम करो, है ना? और मेरे को सिर्फ कंज्यूम मत करो, कंज्यूम करके उसमें ना एरर्स बताओ, उसमें मुझे अपडेशन बताओ। जैसे जैसे आप अपडेटेशन बताते जाओगे तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए काम और तैनात करता जाएगा। आई बात समझ में? तो अभी ये स्टेशन आप देखोगे ना तो ये नीचे से भी पूरा भरपूर है, ऊपर से भी थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, तो भाई ये ट्रक पूरा अपने व्यू की बात 12 बजे जाएगा। तो यहाँ आप देखोगे ना तो यहाँ पर अभी ना रूफिंग नहीं कर रही है, लेकिन चढ़ने का पूरा पूरा कालम इधर से कर दिया, साइड में से सीढ़ियाँ बना दी है, और वो उधर से इन्होंने क्या बोलते हैं उसको एस्केलेटर बना दिया है, और ऊपर भी अभी वेल्डिंग की आवाज़ आ रही है मुझे इस वाले स्टेशन पे। तो यही वाले स्टेशन से शुरू हुई थी जर्नी 6 किलोमीटर की, और वो वहाँ तक अपना जो 6 किलोमीटर है TCS वाला स्टेशन वहाँ तक पूरा कर दिया उसको। अरे मैया कैमरा थोड़ा सा ऐसा लगने लग जाता है कि ये बंद हो गया। तो ये अभी तक के अपडेट की सार थी, और आपको ये कैसा लगा है मुझे आपको बताना जरूर है कमेंट करके, और एरर्स भी फिगर आउट करके बताते रहना है क्या कि पुराने जो बड़े बड़े वीडियो देखोगे ना उसमें, है ना? देखो दोस्तों जंप कट आएगा तो इग्नोर कर देना, क्योंकि ये ट्रक वाले ने हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। 150-200 घंटे अपने बचे हुए हैं वो पूरे कर देना है, तुम्हारा भाई प्रीमियम हो जाएगा, तुमको ड्रोन से उड़ा के दिखाएगा। सिर्फ यहाँ की मेट्रो नहीं दिखाएगा, पूरी दुनिया भर की मेट्रो बना के दिखा दूंगा मैं। पर उसके लिए सपोर्ट बनाए रखो, अभी तक जैसा सपोर्ट है उसके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू आगे भी सपोर्ट के लिए। और यहाँ से मेरे को थोड़ी सी दिख रही है टापरी, ये अपना बागेश्वर धाम जी का मंडप बना हुआ है। तो इसको भी देखते हैं, हुआ तो कवर करते हैं। बाकी अभी पानी बहुत गिर रहा है और भूख भी बहुत लग रही है, और तुम पेटीएम UPI में देता हूँ उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, कर दो यार तो मेरी कचौरी का भी काम हो जाएगा। चलो अभी के लिए टाटा बाय बाय।